नहीं है। बाकी जितने लोग ये कहते हैं कि प्लाज्मा डोनेट करने के बाद आपको वीकनेस आ जाएगी या आपको दिक्कतें हो सकती हैं, ये सब एक रूमर है, यानी कि ये केवल भ्रम फैलाने वाली बात है। तो मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति जो 30 से 35 दिन अगर रिकवरी हो गई है तो वो डोनेट कर सकता है। जिसका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे या 85 से नीचे जा रहा है तो उसको ऑक्सीजन इसकी प्लाज्मा की जरूरत पड़ेगी, और 24 से 48 घंटे में ये दोबारा से बन जाती है जो डोनेट करता है। और रेस्पिरेटरी रेट अगर आपकी 25 से 30 पहुंच रही है तो ये खतरनाक है। और जिसने ये जो मेडिसिन में अगर किसी को पहला नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन के लिए, अगर किसी को पहला नोबेल प्राइज मिला था तो ये उसी व्यक्ति को मिला था जिसने ये प्लाज्मा थेरेपी को खोज करी थी, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में इस दुनिया को बताया था। तो प्लाज्मा थेरेपी अब की थेरेपी नहीं है, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है क्योंकि ये कोरोना वायरस के पेशेंट को ठीक करने में बहुत कारगर साबित हो रही है। कॉन्सेप्ट सीधा सिंपल सा है कि किसी व्यक्ति के अंदर से एंटीबॉडीज को निकाल कर दूसरे शरीर के अंदर एंटर कराया जाता है, वहाँ पर उसकी जो खुद की एंटीबॉडीज है उसको कोरोना से लड़ना सिखाया जाता है, और जिससे धीरे धीरे उसकी रिकवरी रेट बढ़ जाती है। और जो पेशेंट बीमार है, जो पेशेंट है, उसकी खुद की एंटीबॉडीज तैयार होकर अब कोरोना का सामना करने लग जाती है। तो इस प्रकार से ये एंटीबॉडीज कैसे बनती है, मैंने आपको बताया कि कोई भी वायरस हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है तो प्लाज्मा और इम्यून सिस्टम हमारा मिलकर उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये सारा समझाया कि कैसे प्लाज्मा थेरेपी काम करती है, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको आपने रिकवरी कर ली है, आपको 30 से 35 दिन हो गए हैं कोरोना वायरस हुए, आपका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ चुका है और आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर प्लाज्मा डोनेट करना ही चाहिए। ये आपकी नैतिक और सामाजिक दोनों जिम्मेदारियाँ हैं, ये आपकी नैतिक और सामाजिक दोनों जिम्मेदारी है कि आप अब रिकवरी कर गए हैं, चाहे वो भगवान की दुआओं से कर गए हों, चाहे वो माता पिता की दुआओं से कर गए हों, या आपके किसी भी या मेडिसिन से कर गए हों, तो आप अगर स्वस्थ हैं, स्वस्थ हो चुके हैं और 30 से 35 दिन हो गए हैं तो आप निश्चित तौर पर किसी न किसी जो पेशेंट को जरूरत है इस समय पर क्रिटिकल कंडीशन है और उसे प्लाज्मा की जरूरत है तो आपको आगे बढ़कर ये काम करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे प्लाज्मा थेरेपी काम करती है, और प्लाज्मा डोनेट कर आप किसी की ज़िंदगी को बचा सकते हैं, और प्लाज्मा डोनेट कर आप किसी को भी कोरोना से बचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।